किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है झूठ यार ये मुझे पता था पहले ही <laughs> अच्छा उनका जो बात थी कि जी हमने तो लता मंगेशकर कॉन्सर्ट नहीं कराया आपने तो नुसरत सदरी खान का किया अरे भाई तो हमारे मुल्क में इतने बड़े स्टार थे ना कि आप बुला के ठीक <laughs> है ना सही है दूसरी बात यह कि हमने इतने, इतने इतने क्या कहते हैं सिंगर्स यहाँ पर आए सोनू निकों का कॉन्सर्ट हुआ है पाकिस्तान में एंड देन एक सबसे बेसिक चीज़ पाकिस्तान में इंडियन फिल्म सारी जिंदगी सिनेमा में लगती रही है पिछले पहले भी लगती थी फिर बीच में बंद हुई फिर दोबारा चल गई आज तक कितनी पाकिस्तानी फिल्में जो है वो इंडिया में लगी हैं यार आपने रिलीज नहीं होने दी अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल ये तो अभी की बात है अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ एक जैसा कंटेंट आने लग गया है थ्रिलर चल रहे हैं ज्यादातर ठीक है ना या फिर कोई एडल्ट टाइप बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो चल रही होती हैं जो आप देखते भी होंगे ट्रेंडिंग पे नंबर वन पे आ जाती हैं हम लोग जिस होटल में ठहरे होते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल था भाई जो है वो एक्साइटेड एक्साइटमेंट में उनको पता लगा पूल वो जाके छलांग मार छलांग मारी तो फोन जेब में ही था सबकी दाढ़ी सब है सभी एक ही नाई के पास जा रहे हैं वो वो सबको यही वाली बाल बना के वो रोबोट होकर आ रहे, घूम हाँ। तस्वीर की तस्वीर या रहा है मैं तो बहर मैंने फिल्म देखने का मैंने हिम्मत की नहीं क्योंकि रिव्यूज बहुत बुरे थे फिर मैं बहुत ही एक दिन बोर हुआ था बहुत ज्यादा मैंने कहा चलो यार यही लगा लो तो उसने और बोर कर दिया तो पहले मुश्किल से कोई दो तीन मिनट की देख के मैंने कहा बस सही मैंने कहा सर वो आ, तीन कप जो हम बोला ये फाइव स्टार होटल वाले जो है ना दो तो में तीन कप ही लाके देते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अच्छा थोड़ी देर पहले हम लोग एक और पॉडकास्ट एडिट uh, कर रहे थे तो मेरा भाई कह रहा है आप शुरू में कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते मैं कह यार वो बातों के लोगों को पता चल जाता है और ना, आपका इंट्रोडक्शन था मुझे हो, हो, कोई जरूरत नहीं ये हो, थी क्या चल रहा है आजकल अरे सर अब आजकल कुछ खास नहीं चल रहा है हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर इस वक्त ये ये लेटेस्ट अपडेट है लेटेस्ट अपडेट यही है अभी भी भी इनफैक्ट बल्कि मैं आ रहा था तो कि रास्ते वस्ते कुछ बंद बंद हो रहे हैं हाँ मुझे पता चला थोड़ी देर पहले और मैं डर रहा था मैंने कहा यार ऐसा ना हाँ मैंने भी ये मेरे ऑफिस के भी आज जो सारे यार हाँ। लोग थे वो जब जल्दी चले गए मैं जब पहुंचा तो सब जा चुके थे ओह तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कुछ हालात कुछ अजीब से हुआ तो यार अच्छा अब हमने बात शुरू की है तो हालात पर तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं अभी तो मेरे ख्याल से रोक देते हैं हालात तो यहीं रोक देते हैं पहला सवाल है मेरा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने मैंने सुबह नाश्ते में खाया था डबल रोटी और शामी कबाब या <laughs> ये चाय तो साथ में चाय तो लाजमी है, है। चाय के बगैर तो <laughs> भी नहीं खुलती तो ये खाए <laughs> अच्छा <laughs> मैंने एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना फिल्म देखी रोहित शेट्टी की सर्कस ओके <laughs> <Okay. laughs> और उसके बाद मेरा दिल रहा था कि मैं ना फेसबुक पे स्टेटस डालूं कि आफ्टर सर्कस, फीलिंग अच्छा की बात है मतलब मैंने देखा था 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 का तो 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 मुझे ट्रेलर ही नहीं नहीं किया बहुत एक तो इतने ज़्यादा रंग थे उसमें तो वो लग नहीं रहा था। तो मैंने फिल्म देखने का मैंने हिम्मत की नहीं क्योंकि रिव्यूज बहुत बुरे थे फिर मैं बहुत ही एक दिन बोर हो रहा था बहुत ज्यादा मैंने कहा चलो यार यही लगा लो तो उसने और बोर कर दिया मुश्किल से कोई दो तीन मिनट की देख के मैंने कहा बस सही है अब इस ज्यादा नहीं देख सकते हो मतलब हो जाता है कभी कभी सबके साथ हो जाता है मतलब कोई बात नहीं अच्छा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको लगे कि इतने मैं अभी इंटरव्यूज देखता हूँ कि आपको लगे कि ये फिर एक इंटरव्यू उसी तरह का मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा लगे मैं कुछ मैं आज बड़ा सोच रहा था मैंने कहा क्या मैं ऊँट पटांग सवाल पूछ सकता हूँ क्या अजीब सा हो सकता है और लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ऑलरेडी ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि नहीं लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके जो फैंस हैं जो देख रहे हैं उनको आप के बारे में कुछ और भी बातें मालूम हो okay. किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है झूठ यार ये मुझे पता था पहले ही अच्छा <laughs> <laughs> कोई नहीं बात करें मतलब <laughs> मुझे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा भी है ना उस पर आता है कि अगर कोई बंदा झूठ बोले ना उस पर इस तो चीज़ें कोई मुझे अच्छा नहीं। अब मैंने भी सच बोलना शुरू कर दिया पहले मैं भी झूठ बोलता था गाना बना हुआ नहीं होता था मैं कहता था। बन गया अभी कर रहा हूं। <laughs> हाँ नहीं मुझे झूठ से मैं खुद भी बहुत ही कोशिश करता हूँ ना ही बोलूँ और मैं नहीं बोलता अल्लाह का शुक्र है लेकिन ये है कि बस मुझे इसी चीज़ पे यही चीज मुझे तंग करती है गुस्सा से ज्यादा ना मतलब ये चीज़ आपको मुझे लगता है हर्ट करती है यही ये, ये सबसे अच्छी बात होती है कि बंदे हाँ। को बता देना चाहिए हाँ। अगर ज़्यादा वो मुझे वो याद आ गए जिनके आपने गुमशुदगी का ऐलान करवा दिया <laughs> दानियाल <laughs> दानियाल <laughs> वो तो वो एक अलग किस्सा वो किस्सा सुनूंगा वो वो किस्सा जो है ना वो वो मैंने बहुत मजबूर होकर किया था मतलब कि यार एक बंदा जो है ना वो बता ही नहीं रहा है दानियाल है हमारे हम सबके बड़े करीबी दोस्त हैं और वो हमारी फिल्म्स के पोस्टर्स बना चुके हैं नामूम अफराद के एक्टर इन लॉ के लोड वेडिंग के लास्ट पोस्टर खेल खेल कर उन्होंने टीजर पोस्टर बनाया उसके बाद से फिर आगे ज्यादा उन्होंने नहीं काम किया हमारे साथ क्योंकि वो बहुत सारी चीजें वो आजकल एनएफटी वगैरह और चीज़ें भी तो बिजी हो गए तो एक दिन वायरल क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल ही मैं भी बेबस हो गया तो मैंने उसकी तस्वीर जो है वो अपने फेसबुक पे डाली और मैंने कहा कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये जो है पिछले चार कुछ चंद दिनों से गुमशुदा है ठीक <laughs> है तो जिसको भी मिले वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करे तो so एकदम से जितने भी उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स पे उन सब में जो है वो एक जो है वो सी मच गई कि यार ये क्या हुआ ठीक है ना इवन उसके भाई के जो है ना वो फोन करके उससे पूछ रहे तुम्हारे बारे में ऐसे लिखा हुआ तो वो अब वो परेशान हो गया और फिर जो है वो क्या कहते हैं दो चार लोगों ने मुझे मैसेज किया कि नहीं नहीं वो तो कहीं घुमा नहीं है वो तो इधर ही मैंने बोलो मुझे कॉल कर ले किसी बंदे ने वीडियो भी बोले आके भेजी फिर सबसे जो सॉरी एक सेकंड हाँ। सबसे जो एक फनी चीज है ना वो ये हुई कि हमारा एक आ, दोस्त है एस एस पी के उसने मुझे जैन का नाम है वो आ, जो है ना करीमाबाद पे आखान हॉस्पिटल में था ठीक है <laughs> उसको वो बंदा वहां पे दिख गया क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर शेयर की थी हाँ। उस बंदे की तस्वीर खींच के मुझे भेजी नबील भाई आपका ये बंदा यहाँ पे घूम रहा है <laughs> तो अगले दिन तो मैं उसने मुझे आपका ये बंदा यहाँ पे घूम रहा है बोले पकड़ लूँ इसको ये कर लूँ बोला तो यार मेरी बात उससे हो गई है लेकिन बहुत ही वो जो है ना एक नेक्स्ट लेवल बंदा है माशाल्लाह बहुत ही जीनियस क्रिएटिव आदमी है वो किसी दौर में मैं भी इसी तरह हुआ करता था पुरानी बातों की और फिर उसके बाद मैं आपने मैंने आप अपने आप को ठीक किया क्योंकि कि मुझे काफ़ी सिंगर्स ने समझाया कि भाई मना कर दिया करो नो करना सीख लो नई कोई चीज़ कर सकते तो मना कर दिया करो खैर मैं ठीक हो गया लेकिन जब मेरी मुलाकात इससे हुई और मैं वाकई मुझे बड़ी तकलीफ है यार मैं

खेल रहे होते थे बिल्कुल तो वो वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन हाँ जो आप जिस वॉल्यूम पे काम करवाया होगा वो बहुत आई एम श्योर डिफिकल्ट हो गया होगा क्या देख रहे हैं आजकल किस तरह का कंटेंट अभी लास्ट मैंने लास्ट तो मैंने अभी वो देखा इस क्या कहते हैं क्रिस रॉक का जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो आप देखिएगा सर अच्छा वो नहीं देखा मैंने वो बहुत है बहुत अच्छा है वो मैंने देखा है लास्ट टाइम उसके अलावा

जो है ना बस समझाओ कनेक्ट नहीं किया बहुत ओल्ड स्कूल लग रहा था उसके जो दाद बाप का कैरेक्टर है मतलब बहुत ओल्ड स्कूल सी मुझे वो चीज लग रही थी और बहुत स्लो पेस था उसका तो, है। तो और कहीं कही कहीं पे मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी फिल्मों की भी थोड़ी थोड़ी सी फील <laughs> आती थी कायदे आजम की कहीं से नाम आलू <laughs> अफराद की तो मुझे थोड़ा सा ना वो इनफैक्ट मेरे एक दो लोगों ने मैसेज भी किया जिन्होंने देखा है उन्होंने मुझे कहा कि हमने वो देखा था तो हमें इस तरह की क्या कहते हैं फील आई थी तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है याद कर रही थी लेकिन सम्भव Uh, मुझे लगा वो आइडिया अच्छा था बट मुझे इतना अपील नहीं किया वो हालांकि उन्होंने पहले जो मेकर उन्होंने फैमिली मैन वगैरह बनाया वो बहुत अच्छा था uh, और फिर पाकिस्तान को हर चीज में डाल देते हैं अच्छा ये ये है जिनके फैमिली मैन है हाँ, ये वो, वो तो बहुत, बहुत अच्छा था।, था हाँ वो तो अच्छा था वाला भी अच्छा था

हाँ, उसमें ज़्यादा चारे चारे गया। और उस ज़्यादा जो डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है लेकिन और उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है लेकिन वही है जो देगा तो वो मुझे लगा की बहुत ही क्लीशे था अच्छा अब मुझे बाकी लग रहा है वो वो कभी वाला

वो देखा तो वो हाँ, वो वो देखा वो मेरे टीवी के ऊपर ना दो जाना यूं है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब तो मैंने अब लगाया कि मेरे देखने में ना यूट्यूब का रेशियो बढ़ गया मुझे में जाते न, थोड़ी सी, आपका होता है मुझे मुझे आप देखना शुरू करते हैं अच्छा भाई नया क्या आया हुआ है फिर आप सबके छोटे छोटे पढ़ते हैं ठीक है ना क्योंकि आपको आपके पास दो तीन घंटे मिले आप बोलते हैं

एडल्ट uh, टाइप बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो चल रही होती हैं जो आप देखते भी होंगे ट्रेंडिंग पे नंबर वन पे आ जाती हैं ठीक हाँ। है ना तो वो बहुत ही बहुत मिक्स टाइप कंटेंट हो गया तो बहुत ही कम जो है ना वो अच्छा कंटेंट आता है महीने में कोई एक चीज आ जाए मैं डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखता हूँ अभी मैंने लास्ट जो देखी हाँ वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है जो मलेशियन एयरप्लेन डिसअपेयर हो गया था ना एम एच अच्छा थ्री सेवन जीरोगा चारोड तो अब मैं समाउ ना मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ

चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए बहुत 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 लाइक like, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के बाद आइडियाज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं uh, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बहुत पहले देखी थी बहुत अच्छी थी वो उसमें पाकिस्तान में शूट भी, भी हुई भी थी वो वो बच्चे के ऊपर थी जो uh, कोयटा से टर्की पहुंचता है कंटेनर के थ्रू इन टू द वर्ल्ड आई थिंक उसका नाम था तो वो बहुत अच्छी थी तो उस वो डॉक्यूमेंट्रीज हो गई या आ, उसके अलावा भी मैं पहले भी बहुत नेट जियो वगैरह देखता था और वो जो जेल अब्रॉड एक सीरीज़ आती थी रीन बेस्ड होती थी मतलब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी डॉक्यू ड्रामा था वो तो वो मुझे बड़े मज़ेदार लगते हैं जिसमें बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी किस तरह से लोग जो है वो ड्रग्स ले जाते हुए पकड़े हुए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों की जेलों में तो वो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं अच्छा एज अ फिल्म डायरेक्टर एक एक्टर में या एक नए एक्टर में क्या चीज़ तलाश करते हैं क्या चीज़ इंप्रेस करती है क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ मिसिंग लगती है आई थिंक एक तो एक्टिंग टैलेंट है के और हर किसी का अपना एक स्टाइल है एक्टिंग का भी जैसे डायरेक्शन का भी होता है या सिंगिंग का भी होता है तो एक तो, तो स्टाइल होता है कि अगर समटाइम्स मुझे लगता है जो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस जो ज़्यादा नेचुरल होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है या फिर समाज की जो लुक है ना वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए कैरेक्टर होना चाहिए जो हम अपनी आम जबान में अगर हम बात करते हैं तो जरा कैरेक्टर हो अगर ऑफ सा कुछ कुछ ऑफ बात होनी चाहिए उसके अंदर तो वो मुझे जरा एक्टर उस तरह के ना लोग जरा मतलब ऐसा जो होता है जो हर बंदा चॉकलेट हीरो बन गया आ जाता है नहीं तारा वो ऐसा नहीं है एक तो सबके यही वाले बाल ना यही वाले बाल यही वाली दाढ़ी सबकी आप अगर खड़े करने आजकल एक्टर्स को आते हैं हम इश्तेहार कर रहे होते हैं या कोई चीज कर रहे होते हैं तो तस्वीरें आती हैं या किसी का पोर्टफोलियो आता है तो तो सबकी ही दाढ़ियाँ यार ठीक <laughs> है ना सबकी <laughs> ही एक की जैसी दाढ़ी है सब भी एक ही नाई के पास जा रहे हैं वो सबको यही वाली बाल बना के जो वो रोबोट तैयार होकर आ रहे हैं तो यार पहले ऐसा नहीं था ठीक <laughs> है ना अभी क्या हो रहा है फैशन आया तो वो एक ही चल रहा है सब लड़कों सब के सबके बाल एक जैसे हैं सबकी दाड़ियाँ एक जैसी हैं सब ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं सही आई थिंक इस वक्त भी अगर हम देख लें

चलो ये तो वो बात हो गई कि ये एक्टर के अंदर एक्टर की कौन सी बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तब आता है कि अगर वो अपने काम को लेके ना पैशनेट नहीं है अगर वो वो काम कर रहा है और मतलब उस एक्टर का काम एक्टिंग करना ही है और अगर वो उसमें भी सीरियस नहीं है अपने काम को लेके वो वो संजीदा नहीं है तो तो डिसअपॉइंटमेंट होती है यार मतलब आपको मैंने एक मौका दिया है ठीक है ना काम करने का और फिर भी अगर आप

तो लेकिन उसने कहा कि जब वो डांट रहे थे ना तो उस पर मैं भी अग्री करती हूँ कि इस बात पे वो बिल्कुल सही बात पे डांट रहे थे जैसे मिसाल के तौर पे क्या जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि जब एक कॉफ़ी ब्रेक मिला हुआ है तो मैं अपने वैनिटी में बैठ के मैं कॉफ़ी पी रही हूँ लेकिन जब हमें बुलाया गया सेट पे कि भाई आपका शॉट रेडी है तो फिर हमारे हाथ में कप कॉफ़ी का मग नहीं होना चाहिए कहते ज़्यादातर ये होते थे कि लोग जो है ना सेट पे मग लेके आ जाते थे कि भाई आपको एक टाइम मिला हुआ है हाँ। अब वहाँ बैठ के कॉफी एंजॉय करें हाँ। लेकिन अब जब आपको बुलाया तो अब आपको काम के लिए बुलाया है तो अब फ्री हो गया है अब है अब आप अपना काम करें बिल्कुल ऐसे ही तो ये इसी तरीके की एक चीज़ है मुझे जो चीज़ एक्टर की तो नहीं लेकिन खास तौर पे जो आजकल असिस्टेंट्स हैं यार जो क्रू हमारे साथ हैं उनकी जो चीज़ मुझे बुरी बॉडर करती है सिगरेट काम चल रहा है मतलब एक तरफ ये सेट सिगरेट हाथ में यार बाहर जाओ सिगरेट पी कर आ जाओ फेंक कर आ जाओ सेट है उसका एक डिकोरम है, एक है है उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना वो वो नहीं होना चाहिए तो आज मैंने देखा दो चार जगहों पर लोगों को ऐसा करते हुए तो मुझे उनको मैंने मना किया एंड देन नुँ। उन्होंने वो फेंक दिए सिगरेट सिगरेटे बुझा दिए तो वो मुझे लगता है ये ना आपके पास हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए जैसे अगर आपका क्या कहते हैं आपको सिगरेट आप बाहर जाओ पीकर आ जाओ बट ये नहीं करो यार कि ये कुछ कर रहे हो काम और साथ में सिगरेट लगी हुई है या वो आपने पहना हुआ है क्या होता है वो वेब टाइप चीज हाँ वेब टाइप <laughs> ये आजकल जो टीवी पे जो शोज चल रहे हैं <laughs> और उनके जो झगड़े हो रहे हैं अरे हाँ क्यों हो रहे हैं मुझे लग रहा है अदम बर्दाश्त अदम बर्दाश्त कहते हैं सॉरी हाँ। अदम बर्दाश्त कहते हैं ना हाँ, हाँ, खत्म हो गया मुझे नहीं, 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 बेसिकली टॉलरेंस जो है मुझे <laughs> लग रहा है सोसाइटी में एज ए सोसाइटी खत्म होती जा रही है और सब लोग जो है ना वो किसी ना किसी वजह से ना गुस्से में जो मुझे लगता है और सम <clears throat> जो है वो रिस्पेक्ट भी खत्म नहीं होती जा रही है और फिर टीवी का मुझे ये रह गया है कि सबको कुछ ना कुछ मसाला कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए जिससे जो है वो चीज़ वायरल हो जाए और सब लोग वो चीज़ देखें तो वो वो भी चीज़ ना मुझे लग रहा है वाइसाइड से इतनी होती जा रही है कि वो बोरिंग हो गई है कि अब आपको सबको पता है अच्छा भाई ये बैठे हैं इधर ये अच्छा भाई कोई ना कोई बात हो गई होगी चलो इंटरनेट पर तो ये भी एक रूटीन बनती जा रही है और मुझे लगता यही है कि सब लोग गुस्से में और वो गुस्सा कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ भी आपको जो है ना वो बुरी लगती है और उस पर आप निकालते हो तो जो कि होना नहीं चाहिए खासतौर पर जब आप टी वी पे हों पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हों बात कर रहे हों तो नहीं होना चाहिए ऐसा क्योंकि फिर इंटरनेट पे बात आती है और इंटरनेट पे फिर आपको पता है एक से एक फारिग लोग भी बैठे हैं फिर वो बात फैलती रहती है फैलती रहती है क्या से क्या हो जाती है <laughs> अच्छा देखिए आजकल तो खैर जानबूझ के लोग इस तरह करते हैं मुझे किसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाना था खैर अभी तक मैंने वो दिया नहीं उन्होंने कहा यार मुझे आपने मसाला देना मसाला देना है मैं लेकर आता हूँ लेकर आ चाट वाला है आपको बिरयानी का चाहिए कौन सा मुझे आपने मसाला देना है वरना मज़ा नहीं आएगा <coughs> नहीं, अच्छा तो अब आप सोच रहे हैं यार जो मतलब अगर जो भी साहब हैं जो उस तरह की बात कर रहे हैं या इनफैक्ट आप कहीं और भी जाते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव या आपका इंटेंट ये है कि मैंने तो यार मसाला निकलवाना है तो इसका मतलब ये अगर हम कोई इंटरव्यू करते हैं किसी का फॉर एग्जांपल या अगर हम कोई कोई सहाफ़ी है वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ लोग जो है ना वो सवाल इसलिए नहीं करते कि वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं वो या तो ये सवाल आपसे करते हैं कि आप फंस जाए ठीक है ना या आपकी नॉलेज चेक कर रहे होते हैं ठीक है या आपसे कोई मसाला निकलवा रहे होते हैं उनका मुझे लगता है इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है कि वो आपके बारे में जाने या या कोई ऐसी बात करें जिससे कुछ लोगों को सीखने बोलते नहीं मसाला निकलवाओ मसाला चाहिए बीच में आप किसी आई थिंक सीरीज पे भी काम कर रहे थे जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसकी स्क्रिप्ट तैयार है ठीक है ना बहुत बड़े बजट की सीरीज है वो उसमें काफ़ी प्री प्रोडक्शन का काफ़ी काम है तो उसका स्क्रिप्ट तकरीबन तैयार हो गया स्क्रिप्ट का तकरीबन कुछ दो ढाई साल उसमें लगें आ, और देखें कोशिश है कि उसको जल्दी जो है वो फ्लोर पे लेके जाए लेकिन उसमें काफ़ी काम है और काफ़ी मुश्किल प्रोडक्शन है उसकी कैरेक्टर्स बहुत हैं लेरी के ऊपर बेसिकली अच्छा ठीक है तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म के लिए ये अभी सीक्रेट है

अगली फिल्म कब आ रही अगली फिल्म अगली फिल्म असल में हमारी कोशिश तो थी कि बकर आ जाए हम लोगों ने स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर ली थी इनफैक्ट मेरी आपसे भी दो तीन बार बीच में बात हुई थी कि मिलना है चीज़ों पे तो आ, जो है वो दिसंबर में जो है ना स्क्रिप्ट हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार थी और जनवरी से हमने शूटिंग पे जाना था दैन मैं उनको सच्ची बात बताऊँ कुछ मुल्क के हालात जो है ना बहुत ही अनसर्टेन से हुए हमें ठीक है ना और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि जितनी महंगाई हो गई है ना अभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके सिनेमा में दो हज़ार रुपए की फिल्म जो है ना वो देखेंगे hey. तो मुझे थोड़ा सा ये ज़रा जो है ना डर हुआ हुआ है कि यार ये कैसे होगा क्योंकि एकदम से बहुत महंगाई हुई है आप देखें ना एकदम से जो है वो तीस चालीस फीसद जो है ना वो महंगाई बढ़ गई हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है तो ये एक थोड़ा सा चीज़ है जिसपे अभी भी हम सोच रहे हैं बट आई होप कि चीज़ें जल्दी बेहतर हों और जो है वो सबके लिए अच्छा हो तो ये मुझे लगता है ये मेरा एक उस तरह से ओपिनियन एक आम ले मैन वाला आप कह लें बट uh, अभी हम लोग इन अक्टूबर या नवंबर में फ्लोर पे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट फिल्म अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जैसे हमारे टीवी चैनल्स भी हैं वो टीवी पे पर तो ड्रामा चलता है उनका लेकिन वो टीवी वी वेब यूट्यूब पर भी उनका ठीक ठाक जो है ना बिल्कुल है है। सीन है बिल्कुल ऐसा ही तो आपको लगता है कि यूट्यूब के लिए कंटेंट काफ़ी और भी प्रोडक्शन हाउसेस को बनाना चाहिए देखिए आई आई पर्सनली थिंक कंटेंट तो बनाना चाहिए लेकिन यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग है नहीं कंटेंट की खासतौर पे पाकिस्तान मार्केट की अगर मैं बात करूँ आई थिंक आपको कितना आपका

गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है किस चीज़ का व्यू कितना आएगा क्या नहीं आएगा लेकिन बनाना चाहिए लेकिन हमारे लोग जो है ना मुझे पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत लेट आती है जब दुनिया करके निकल जाती है ना फिर हम उतना अरे ये करते हैं तो वो हम शुरू होंगे लेकिन हम जो है बहुत लेट होंगे और हमारे यहाँ टी चैनल्स हैं वही अपना कॉन्टेंट जो उधर चलाते हैं वो वेब पे चला देते हैं असल में अब देखें लोग मुझे लगता है पर्सनली टीवी वी इतना नहीं देखते हैं टाइम नहीं है क्योंकि इंटरनेट की वजह से सबके पास आसानी है सबको पता है यार टीवी वी में मिस हो जाएगा कोई बात नहीं अभी यूट्यूब पर आ जाएगा मैं रात को जाके देख लूंगा हम भी ऐसे ही करते हैं कोई भी चीज़ देखनी होती है तो टी वी चैनल के तो व्यूज़ इस इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि लोग जो है वो टी वी पर कम चीज़ देख रहे होते हैं और अब यूट्यूब वगैरह पर ज्यादा देख रहे हैं और फिर इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का ड्रामा बहुत बहुत पॉपुलर है लेकिन उसका जो फायदा है जो भी उसकी मोनेटाइजेशन है वो चैनल को फायदा है किसी एक्टर या किसी प्रोड्यूसर को फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जब ड्रामे का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो मोस्टली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो साइन करते हैं डिजिटल हर चीज़ आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए अगर प्रोड्यूसर खाली टीवी टीवी के लिए ड्रामा बना रहे तो वो खाली टीवी के राइट से या चलो अगर डिजिटल राइट दे रहे तो उसके अंदर कोई उसकी इक्विटी होनी चाहिए जिससे लॉन्गर रन में जो है ना वो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा पैसे बनाएगा तो वो कॉन्टेंट ज़्यादा बनाएगा जब प्रोड्यूसर को पता है मैंने ड्रामा बना के दे देना टी वी चैनल को टी वी चैनल नहीं सारी ज़िंदगी परपेचुअली उससे पैसे बनाने यूट्यूब से भी हर जगह से तो फिर वो ठीक है ना और कोई पता ही आपको तो और कोई यूनियन वूनियन में भी ये चीज़ें डिस्कस करते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोग आसानी से बिक जाते हैं हमारे यहाँ अगर यूनियन बनेगी भी पांच लोग है, जो है वो मुश्किल है थोड़ा सा हाँ, हाँ, वो मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई होशियार है ना हम लोग दस लोग एक जगह पे बैठ के बोलते हैं के, हाँ 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 यार ऐसे बिल्कुल ठीक है जबरदस्त ऐसे ही करेंगे सबसे पहले बाहर निकलेंगे और फोन मिलाएंगे भाई आपके बारे में ऐसी बात हो रही है मैंने बोल दिया लेकिन अब मेरे से करा लेना काम मैं कर दूंगा आपको मैं अभी भी उसी कॉन्ट्रैक्ट पे चलूंगा मसला नहीं तो हमारे यहाँ पीछे से सब अलग अलग लोगों को फोन करेंगे तो हम लोग एज ए नेशन या एज ए कह लें कि वर्कर या कलीग हम लोग जो है ना हम लोगों में यूनिटी का इशू है हम और जब तक यूनिटी नहीं होगी वो हम लोग इसी तरह सफ़र करते रहेंगे अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी शख्सियत कभी खान साहब को हमने खोया अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाएँ आपने उनके साथ काम किया मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में कोई एक्सपीरियंस आपका जरूर आपसे शेयर करें कभी साहब के साथ पहली मरतबा मैंने काम किया था कायद जिंदाबाद में और मैंने बहुत उन हमेशा तारीफ़ें सुनी थी लोगों से जैसे नूर हसन साहब हैं एक्टर हैं वो अक्सर जिक्र करते रहते थे क्योंकि उससे पहले जो मैंने फिल्म बनाई थी तो नूर भाई ने मुझे काफ़ी बार कहा था कि मैं कभी साहब को लेके गया था आपकी फिल्म दिखाने के लिए उनको बहुत अच्छी लगी थी तो मेरा एक कायबाना उस तरह से ज़रूर तारुफ़ रहता था लेकिन मैंने क्या कहते हैं काम नहीं किया हुआ था उनके साथ तो फिर जब कायद अजम की बारी आई ना तो मुझे हमें वाकई में कोई ऐसा एक्टर कास्ट करना था क्योंकि जिस तरह के डायलॉग थे ना कि यार के ईमानदारी और कायद अजम से मोहब्बत तो कभी साहब बहुत पेट्रोटिक इंसान है इंसान थे तो आ, और समाओ हमें आ, हम हमें ये लगता चा, चाहिए था कि जो बंदा ये बात बोल रहा हो ना वो कन्विक्शन के साथ लगे कि यार ये इसकी पर्सनलिटी उस बंदे के साथ ना कोई इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई ना हो तो कभी साहब की माशाल्लाह से पर्सनैलिटी भी उस तरह की थी कोई उनके साथ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं और उनकी बहुत एक प्रस्टीज और इंडस्ट्री में भी बहुत एक रिस्पेक्ट थी और एक्टर भी बहुत अच्छे थे तो बेशक काम करने का एक्सपीरियंस रानी भाई बहुत अच्छा रहा मैं फिर मैं और फिर पहली मरतबा उनसे जब जाके मिले तो वो कराची आए हुए थे किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए तो वो गेस्ट हाउस में थे क्लिफ्टन में तो फिजा जा जाके उनसे मिले और उनको पूरी स्टोरी सुनाई तो जब हमने उनको कहानी सुनाई कायद की तो पहले तो उन्होंने बोला कि आपको किसने बोला ये फिल्म बनाने के लिए <laughs> किसी ने नहीं, नहीं बोला हमने तो खुद ही तो उन्होंने आजकल के दौर में ऐसी बातें कौन करता है कि ईमानदारी और कायदे अजम और ये चीजें तो मुझे तो बहुत खुशी होगी इस तरह की चीज़ करके और बहुत अच्छा है और इस तरह है सारी इनसे बात हुई फिर मैंने उनसे तो बोला कि सर आपकी मेजरमेंट चाहिए होंगी हमें ताकि हम आपके कपड़े वगैरह बनाने तो उन्होंने बोला इधर भी है मेरा वॉडरूप है जो तुम्हें अच्छा लगता है निकाल क्या जरूरत है बनवाने की ना ठीक है ना इस तरह की क्या कहते हैं जो है वो चीज़ें नहीं फिर शूटिंग पे शानी भाई मतलब ऐसा नहीं है कि उनका इंतकाल हो गया और मैं बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है ना हम एज़ ए नेशन जैसे इंसान इस दुनिया से रुसत होता है हम उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं मैंने पहले भी इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी एक दो इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें भी मैंने यही उनके बारे में बातें की हैं उनकी वफा से पहले भी तो आ, इंतहाई डिसप्लिन इंसान बाखलाक और टाइम पर यानी कि पंक्चुअल के अगर ये टाइम उनको दिया है तो उस टाइम पे आपके साथ पहुंचे हुए होंगे और मतलब बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके बहुत सीखने को मिला ठीक है ना एक छोटा सा वाक्य मैं बताऊंगा वो एक सीन में शॉल थी उनकी ना समा वो सेट पे किसी असिस्टेंट से गुम हो गई तो अब वो बड़ा दुख की बात है यार किसी एक्टर की पर्सनल शॉल और वो सेट पे से गुम हो जाए तो मैंने भी फिजा ने भी उनसे बोला कि सर इसमें कोई बात नहीं बेटा मतलब सो के कोई ऐसी बात नहीं है इस चीज़ का मुझे दुख भी है हम लोगों ने फिल्म की शूट के बाद फ़ाइल मैंने जाके एक शॉल ख़रीदी उनके लिए ठीक है ना जो बिल्कुल उनकी उसी तरीके की थी तो हमने बोला ये सर को जो है ना वो देनी है और शानी भाई मेरे पास मेरी कभी साहब से बहुत बातचीत रहती थी बाद में भी शूटिंग के बाद वॉइस नोट वगैरह एक्सचेंज होते रहते थे तीन चार बार मैंने ना उनसे मिलने की कोशिश की सम्भाव कभी वो लाहौर में थे मैं कराची में था कभी मैं कहीं पर था तो वो कराची में थे वो शॉल मेरे पास पड़ी हुई है अब तक तब पड़ी हुई है हाँ, वो मैं उनको दे नहीं वो पाया वो और हालांकि एक और भी जो बहुत बड़ी बात है उन्होंने जो हमारे साथ फिल्म की है खत्म हुई है तो हम लोग गए हैं उनके पास एक चेक था और एक हमने उनके लिए बास्केट सी बनाई थी उसके अंदर कुछ गुडीज थी चीजें थी ये टुक दैट वो भी बहुत ही इसरार करने पे हमसे कि बाकी उन्होंने बोला मैं पैसे नहीं लूंगा मनी फॉर इट उन्होंने बोला इतना अच्छी फिल्म है इतना अच्छा काम है मैं जो है ना वो कुछ भी नहीं तो बड़े आदमी थे वो बहुत बहुत यानी कि बड़े इंसान थे और अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करी लेकिन बहुत मुझे बहुत जिस दिन उनका इंतकाल हुआ मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन और और अभी भी परसों तरसों भी किसी से हम उनके बारे में बात कर रहे थे तो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे वो बहुत बड़े इंसान थे मेरे रोंगटे खड़े हो गए बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान थे मतलब आप जितना भी उनके साथ टाइम गुजरा कम गुजरा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मतलब पाँच छः सात दिन का हमारा काम था फिर प्रीमियर पे मुझे खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट उन्होंने वो फिल्म भी देखी और प्रीमियर में आए और आ, लोगों को भी बहुत पसंद आया उनका काम उसमें और आई विश के वो हयात होते तो आगे भी इंशाल्लाह काम करने का मौका मिलता लेकिन एक और सवाल करना चाहूँगा लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा आपको दुखी करने का नहीं है <laughs> okay. लेकिन ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आप माशाल्लाह से कितने लकी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के आपने बड़े बड़े लोगों के साथ अलहमद काम किया दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा ओम जी का जी वो आ, वो पूरी साहब का भी ऐसा ही है मतलब वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे और आ, 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 आपने भी आ, उनके साथ जो है वो देखी हैं सारी चीज़ें और ड्यूरिंग हम लोग स्कोर करते थे तब भी बातचीत होती थी उनका भी है वो मैं बताऊँ आपको फिजा और मैर से उनकी उनकी ना बहुत दोस्ती हो गई थी उनसे और उनके साथ हमारा वो वाला एक्टर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वाला रिलेशनशिप था नहीं उनके साथ हमारी दोस्ती थी अब फिल्म के बाद ना और मतलब वो यहाँ पर आए थे वो खुद भी बोलते थे कि यार तुम लोगों ने तो मेरे पे कोई जादू कर दिया है मतलब यार तुम ऐसा तो कोई लोग ही नहीं है और ये सारी चीज़ें और फिर आपने देखे ये कि इवन वो यहाँ पर आए जिस तरह से सब लोगों ने उनके साथ काम किया है सारी चीज़ें किए तो वो बहुत ही जो तो है ना हमारे मतलब दोस्त बन गए थे वो हालांकि हमारे अब्बा की उम्र के थे लेकिन समय उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी और फोन आते आते रहते थे ठीक है ना और बहुत उनके साथ हमने प्लान किए फिर मैं इंडिया भी गया था हाफिज़ा भी गए थे तब तो भी हमने बड़ा घूमे फिर वहाँ पे प्रमोशन में बड़ा मज़ा आया और अभी भी जो है ना सच्ची बात होता कोई हफ्ते में कोई एक दो बार तो ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी चीज़ के लिए ना वो याद आते हैं इनफैक्ट कल भी हम एक आ, 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 स्क्रिप्ट फिजा एक आइडिया था फिजा के पास फिल्म का हम वो डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला यार कि काश पूरी साहब होते तो ये ज़बरदस्त रोल जो था वो उसमें वो बड़े ज़बरदस्त करते तो थे हैं बोला हाँ यार तो वो, वो एक उन, उनके ना हमें ये दुख है कि हमारी दोस्ती तो दो बहुत अच्छी हो गई थी उनसे लेकिन बहुत कम टाइम मिला यानी कि समझ लें हमने फिल्म की है दिसंबर 2016 में हम्म में दिसंबर 2015 में फिल्म की शूट शुरू हुई थी और दो में जो है ना जन जनवरी दो में आई थिंक उनका जो है वो इंतकाल हुआ है तो बहुत कम टाइम रहा और मुझे याद है उस टाइम पे पीएसएल शुरू हुआ था क्या? तो हमने प्लान किया था क्योंकि कि हम जो है ना वो भी दुबई आएंगे और हम भी दुबई आएँगे और हम पीएसएल पी जो है ना वो साथ देखेंगे तो वो पीएसएल फरवरी से शुरू होना था और जनवरी में जो है वो पाँच जनवरी को जो है वो उनका इंतकाल हो गया तो वो बस मुझे दुख रहता मैं ए, उसकी एक्टर लॉ की प्रमोशनल वीडियो रखी हुई ना जो आपने जाके उसकी जी 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 तो उसमें मैं देख देख रहा था कि वो इतना कर रहे थे, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल अरे मैं बता रहा हूँ ना वो मतलब शूटिंग भी कर रहा उनके साथ बहुत ही था और उसके बाद तो ना मतलब वो बिल्कुल बहुत ही मजेदार इंसान है मतलब उन, उनके इतने आते हैं मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीजें जो हमने बहुत ही इन्जॉय की हुई हैं मतलब और बड़े उस तरह के इंसान है कि जो प्रोड्यूसर को समझने वाले के मतलब इतने बड़े अदाकार हैं उन्होंने मतलब हॉलीवुड की फिल्म भी की हुई हैं तो जब वो आए थे पाकिस्तान तो हमने उनको होटल में ठहराया हुआ था तो क्या हुआ कि मैं और फिजा उनसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि चाय चाय पियोगे तो मैंने बोला हाँ फिजा से उन्हों, उन्होंने फिजा से पूछा हाँ चाय पी उन्होंने फ़ोन मिलाया अपने रूम से रूम सर्विस को और, और उन्होंने कहा कि भैया दो कप चाय ला दो अब मैं फिजा एक दूसरी शक्ल देखें यार ये तीन लोग हैं दो कप चाय मंगाई है इन्होंने ठीक है ना तो मैंने कहा सर वो तीन कप जो हम उन्होंने बोला ये फाइव स्टार होटल वाले जो है ना दो में एक तीन कपी ला के देते हैं ठीक है <laughs> <laughs> प्रोड्यूसर का ख्याल करना चाहिए यार ये ठीक है उसके बाद उन्होंने अपना कप निकाला ठीक है ना और क्या कहते हैं उनका ग्लास होता था साथ में हाँ। वो निकाला और कप चाय आई और उसके बाद वो उन्होंने जो तो है वो तीन कप ही निकली देखा मैंने बोला था तीन कप निकलेगी <laughs> <laughs> तो बहुत ही बहुत ही स्वीट आदमी थे मुझे याद है मैं शूट कर रहा था शाम में उनका जल्दी पैकअप हो जाता था पैकअप के बाद वो होटल पहुंचते थे ना तो हमारा शाम को खाना उनके साथ ही होता था वो होटल पहुंच के ना लिटरली मुझे फ़ोन कर रहे तेरे यार पैकअप करो जल्दी आओ मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी थी <laughs> तो मतलब वो बहुत ही ना मतलब बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे बहुत बहुत ही अच्छे उनके साथ जो है ना वो वक्त गुजरा टाइम गुजरा ये पाकिस्तान में भी बाहर भी बहुत बहुत मज़ा आया अभी मैं कभी मूवीज़ देखता हूँ ना पुरानी आ, तो पुरानी इंडियन जितने भी आर्ट मूवीज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो पूरी साहब बिल्कुल असें फिर इवन कुछ कॉमेडी मूवीज़ हैं जो नसीरुद्दीन शाह साहब उनमें तो भी पूरी साहब बिल्कुल तो वो हमेशा वो मुझे याद आता है और मतलब मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मैंने भी एक ऐसी फिल्म में काम किया है जिसमें पूरी साहब थे उसके बाद रिसेंटली अभी मुझे पता है पूरी साहब शिद्दत से कब याद आए जब मैंने जावेद अख्तर साहब का वो वीडियो देखा कह रहे हैं यार इन्होंने वो देखी है फिल्म लेकिन यहाँ ज़िक्र नहीं कर रहे हो इसका ये बिल्कुल वो और इवन अगर आप उन दोनों के रवैयों में और बातचीत में भी देख लें पूरी सब वो तो वे बियॉन्ड यू नो ऑल दिस पॉलिटिक्स वो बहुत ही अलग तरीके के इंसान थे और पाकिस्तान में आके उन्होंने काम किया इतनी बार विज़िट किया इवन उन्होंने तो बल्कि इंडिया में जाके जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें ही एंड फिर अनफॉर्चुनेटली Uh, के जो भी उनके साथ हुआ आई डोंट नो के उसमें क्योंकि कंट्रोवर्सी है उनकी डेथ uh, को लेके बहुत वहां पे क्योंकि वन थिंग आई नो के मैं क्योंकि मैं जा चुका हूँ इंडिया और उनके साथ गया भी उनके घर पे तो वो अकेले रहते थे उनका घर जो था वो अकेले ही रहते थे वहाँ पे ड्राइवर होते थे उनके साथ वो भी शाम में चले जाते थे तो सो जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसके बारे में आई के वो इट अ नेचुरल डेथ और सम आए उन्होंने लेकिन वो जो हुआ वो बहुत ही दुख हुआ ये सारी चीज़ देखने के बाद तो मेरे भी हुआ कि काश पूरी साहब आज होते और वो है यहाँ पर बैठे होते थे वो कोई ना कोई बहुत बेहतर सेंसिबल बात करते इस तरह की बात नहीं करते जो जावेद अख्तर साहब ने क्योंकि मैंने देखा है पूरी साहब को जो वहाँ की कुछ आ, जो न्यूज चैनल्स उनका कुछ इंटरव्यू था तो वहाँ पे वो बड़ा सख्ती से पाकिस्तान के लिए बोलते थे कि मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे ये भी लगता है कि शायद कि जावेद अख्तर साहब ने शायद इसलिए ये सारी बातें की क्योंकि उनको लगता होगा वापस भी जाना है <laughs> तो <laughs> तो कोई ऐसी बातें करके जाओ कि वहां पे जो है ना मतलब मेरे साथ कुछ इस तरह का मसला ना हो हाँ और हमने भी बोला कि चलो यार ठीक है यार कर लो जाओ जाओ, जाओ। ले हाँ अब इन्होंने बोला आखिरी दिन है जाना है तो वापस भी तो जाना है तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि वहां पे जाके ना मेरे से ये तो सवाल हो ही ना कि मैं क्यों गया था मेरे से कि वाह आपने क्या कमाल कर दिया ये, ने ये ही किया है क्योंकि जाते ही सबसे पहले तो की रनौत ने की है।, है ना तो जबकि मतलब अगर देखा जाए यार <laughs> एक बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है <laughs> आप उनका जो बात थी जी हमने तो लता मंगेशकर आपने खान का किया अरे भाई तो हमारे मुल्क में इतने बड़े स्टार थे ना कि आप बुलाके ठीक है ना ये दूसरी बात ये है कि हमने इतने इतने क्या कहते हैं सिंगर्स यहाँ पर आए सोनू नेगो का कॉन्सर्ट हुआ है पाकिस्तान में एंड देन एक सबसे बेसिक चीज़ पाकिस्तान में इंडियन फिल्म सारी जिंदगी सिनेमा में लगती रही हैं पिछले पहले भी लगती थी फिर बीच में बंद हुई फिर दोबारा चल गए आज तक कितनी पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो इंडिया में लगी हैं यार मॉलेजाट आपने रिलीज नहीं होने दी अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल ये तो अभी की बात है तो आप इतनी बातें कर रहे हैं मतलब ये छोटे मोटे से काउंटर आर्गूमेंट्स कि कौन वहाँ पे साथ में बैठे हुए थे और क्या थे तो वो थोड़ी बहुत तो बात मुझे लगता है हमारे एंड से होनी चाहिए थी इस तरह की <laughs> हमारी बारी में आके हम बोलते हैं हाँ हाँ आर्ट है नो बाउंड्रीज उनकी बारी में आके एकदम से आर्ट जो है ना वो उसमें सारी बाउंड्रीज जा आ जाती हैं तो वो ये अजीब सी बात आई थिंक हमें जो है ना थोड़ी सी डिग्निटी हमें होनी चाहिए मतलब हम हमारे प्लेयर्स को ना पी में बुलाते हैं yeah. लड़कियों तक को नहीं बुला रहे ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा नहीं दे रहे हम पता नहीं क्यों बुलाए जा रहे हैं भाई Yeah. उसके बाद जो है वो रो रहे लोग वीडियो देखी आपने वो क्या? एक वीडियो <laughs> क्या लोग कोक स्टूडियो के गाने एप्पल म्यूजिक पे उसके नीचे जो उसकी ओरिजिनल कंट्री कह लें या आई थिंक जॉन्ड्रा कह लें वो लिखा हुआ है इंडियन पॉप तो पाकिस्तानी पॉप हुँ. तो ये हमारे जो भी डिजिटल एजेंसीज हैं जो ये कोक स्टूडियो को आई को बेच रहे हैं हुँ. क्या वो मेटर डाटा साथ देते नहीं है लिख के देते देते हैं ना यार हम हाँ। हम सब इसी फील्ड में हमें मालूम है कि जब आप मेटा डेटा देते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ लिख के देते हैं तो हाउ कैन एपल म्यूजिक और सम यू नो अदर प्लेटफॉर्म राइट इंडियन म्यूजिक ठीक है ना इवन फिर मैंने इसीलिए अपनी फिल्म के भी गाने चेक किए क्योंकि मेरी भी एक फिल्म का जो म्यूजिक है वो जी म्यूजिक के पास उसके है लोड वेडिंग का जो आपने म्यूजिक किया है ठीक है तो उसके उसमें भी बॉलीवुड लिखा हुआ था अच्छा बॉलीवुड लिखा हुआ था अब वो तो जाहिर सी बाद है उनको राइट्स हम दे चुके हैं तो उन्होंने जाहिर सी बात है आगे खुद दिया होगा मैटर डाटा जो भी करने के लिए बट स्टिल वी कैन यू नो क्लेम दैट लेकिन तो ये ये इस तरह की चीजें हैं और हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गए इस इस थर्ड आ, जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में लड़ तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ये इसी तरीके की चीज़ों से आप अब जो है ना आपको लड़ना पड़ेगा वो वाला दौर ख़त्म हो जाएगा आप जंग जाके लड़ेंगे उस तरह की अब अब ये या डिजिटल वॉर नहीं है इसी तरह से हमें जो लड़ना होगा और चीज़ों को क्लेम करना होगा ये हमें क्लेम करने की ज़रूरत है अदरवाइज़ जो है वो आ, जो है ना ये हाइजेक हो जाएंगी हमारी चीज़ें अब देखिए इंडिया में इतने सारे गाने चोरी हो रहे हैं हाँ और मतलब इतना बड़ा गाना उठा के नच कॉपी कर दिया सोचे यार सोचे लेकिन अब अब अच्छा, अच्छा अच्छा एक मसला पता है हमारे यहाँ पे हमारी आवाम का भी है मुझे समझ में नहीं आता किस तरह की मिक्स्ड आवाम है कि उन्होंने गाना चोरी किया ठीक है उस पर लोगों ने जाके गालियाँ देनी शुरू कर दी कि ये तो पाकिस्तानी गाना है तो ये है तो वो है इधर हक ने कहा कि मैं केस करूंगा करूँगा तो उस पर लोगों ने भी हंसना शुरू कर दिया यहाँ तू क्या उखाड़ लेगा उनका अरे मैंने कहा इंटरनेट जितनी टॉक्सिक जगह ना इस वक्त कोई और है नहीं ठीक है ना सा, पहले क्या होता था जैसे मुझे इंटरनेट की मिसाल वो लगती है मोहल्ले गली मोहल्ले होते थे हर मोहल्ले में रात को आप देखते थे कोने में किसी जगह पे लड़के बैठे होते थे उस उस उन उस पांच दस लोगों में कोई एक बहुत कॉमेडियन होता था ठीक है <laughs> सही है कोई एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता था कोई एक ऐसा होता था जो कंस्पिरेसी थेरी लेकर आता था तो वो तो एक गली के लोग होते थे और उस गली में भी अगर आप आप रहते हैं आप जाते थे रात में उधर या पूछेंगे तो पता लग जाता था जो इस दिन कोई एक बोला बहुत कॉमेडी कर रहा करो आप बोलते यार ये बहुत फ़नी है बहुत फनी है ठीक है इसी तरह कोई एक जो है वो कंपेसी थियरी लेकर आता था आपको लगता था यार ये जो है ना इसका कुछ ये कहीं सही जगहों हो बैठता उठता इसको पता होता है चीज़ हमारे ठीक है को और एक कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल होता था जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेता था तो इंटरनेट इस तरह के ना लोगों से भरा हुआ है वो मोहल्ले के जो थड़े में लोग होते थे तो सबका ओपिनियन है ठीक है ना और हमारे लोगों को सिर्फ गालियाँ देनी है मैं सच और अच्छी बात करेंगे ना अभी ये जो हम बातें कर रहे हैं इसके नीचे भी देखेगा <laughs> कितनी गाने होंगी ठीक है ना इसके नीचे आगे लोग अबे तुम्हें बड़ा पता है अबे तुमने अपनी फिल्में देखी अबे तुम खुद कॉपी कर रहे हो अबे तुमने अपने गाने सुने ये ये चल रहा होगा नीचे ठीक है ना तो ये ये तो और यही है नेगेटिव लोग जो है ना वो वो ज्यादा ही है अनफॉर्चुनेटली और मैं बोल रहा हूँ ना सब गुस्से में उनको कहीं ना कहीं अपनी वो बड़ास निकालनी है और सबको इंटरनेट पर जो लोग बैठे हैं उनको लगता है उनको सब पता है बाकी हम हम बाव लें हम हमें नहीं पता कुछ हमें नहीं आता

अब अबरार के पास राइट थे भी या लेबल के पास थे आपको भी पता है कि कितनी हाँ। बार तो लेबल के पास ही रह जाते हैं जैसे हमारे यहाँ भी कोई भी कोई भी गाना आता है तो एक लेबल है बड़ा मशहूर वो आता हाँ। था मेरे पास उसके राइट्स ठीक है अच्छा हमारे क्या होता है बंदा अगला डर जाता है वो उससे पूछता भी नहीं तेरे पास है भी या नहीं है हाँ बोलता हैं हाँ 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 भाई हमारे पास जबकि मुझे लगता है नाइन्टी परसेंट ना उनके पास नहीं होंगे राइट वो भी ऐसे ही बस क्लेम ही मारता बस में उस वक्त होता ये था कि उस वक्त इतना आइडिया नहीं था आइडिया नहीं था कि ये ग्लोबल मार्केट जो है कि इतनी बढ़ जाएगी बिल्कुल लोगों को आगे का फ्यूचर का पता नहीं होता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ ये इतनी सुकड़ जाएगी हाँ। कि हम लोग इजीली कहीं पे भी अपना चीज़ रिलीज कर लेते हैं मैं बताता हूँ हुआ ये था कि बीच में यहाँ पे जो रैकेट लेबल्स थे ना वो सिर्फ यहीं पर रिलीज रिलीज करते थे फिर ये लोग क्या करते थे कि राइट्स भेज देते थे कि कोई रैकेट लेबल इंग्लैंड में है अच्छा वो से निकले

हमें जो है वो इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए बिकॉज अदरवाइज मसला हो जाएगा बड़ा आप देखें ना मतलब मेरी फिल्म है एक्टर एंड लॉ वो एक उड़िया जबान में पूरी डिटो कॉपी हो गई ठीक है ना सही है तो अब मैं, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली आपको केस लड़ने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ठीक है ना तो और वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ठीक है ना उनके आबादी इतनी है कि वो चोरी करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं okay. इंडिया की भी कोई बात करता हूँ वो किसी की कॉपी भी करते हैं तो वो ओरिजिनल से ज़्यादा हिट हो जाती है <laughs> इतनी हॉलीवुड की फिल्म्स हैं पूरी पूरी उन्होंने शुरू में तो छाप लेते जब तो फिर हाँ। भी ज़रा जब से पता लगा है हॉलीवुड को भी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो अब ज़रा रीमेक बनाना शुरू हो गए तो इस तरह की चीज़ें हैं बट लकीली अभी फॉर्चुनेटली एक्टर इन लॉ के हम लोगों ने रीमेक राइट्स लिए तामिल आ, अच्छा? हाँ तमिल रीमेक बनने के लिए तो आ, उनका भी शुक्रिया कि एटलीस्ट उन्होंने रीमेक राइट्स के लिए हमसे परमिशन ली है और राइट्स लिए रीमेक बनाने के लिए वरना तो कॉपी कर लेते भाई मतलब तो वो अच्छे लोग जिन्होंने जो है वो राइट्स लिए तो इस तरह की जो है मैं मतलब कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कुछ ये है कि चोर भी होते हैं हमारा तो म्यूजिक वीडियो का हम, अरे हाँ। पूरा छाप दिया उसने <laughs> पूरा पूरा <laughs> म्यूजिक वीडियो भी छाप दिया आप वाला शीजा जाना ठीक है ना और फिर जो कूचना करी हमारा गाना था उसको, हाँ। उसको वो बंगाली उसमें एक वीडियो पूरी डिट्टो छाप दी थी मैं हैरान था लेकिन उन्होंने तो यार बड़ी जबरदस्त कॉपी की थी

सीन बनता है और और मुझे आई थिंक मुझे याद है शायद ऐसा ही था कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार रोमांटिक फिल्में शानी भाई तो रोमांटिक है रोमांटिक <laughs> क्योंकि अच्छा उससे पहले हम जो इस तरह की फिल्म्स कर रहे थे वो उतनी रोमांटिक हाँ। नहीं थी जरा बड़ी आ, अलग तरीके की फिल्म थी सेटायर था या, या कॉमेडी थ्रिलर थी तो उनका म्यूजिक वर्ल्ड बिल्कुल अलग था ठीक है ना तो मैंने पूछा यार अपने रोमांटिक गाने करने हैं तो मुझे ये था कि यार पता नहीं रोमांटिक गाने वो अलग म्यूजिक तो बड़ा अच्छा था तो अब रोमांटिक म्यूजिक जो है वो शानी भाई किस तरह का करेंगे क्यों देखिए <laughs> तो आपने वो गाना बनाया तो टाइट है <laughs> और लोड बेडिंग का म्यूजिक मुझे, मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने शुरू में अब नेक्स्ट कौन सा सोशल इशू छेड़ने वाले हैं हाँ है बहुत ही जबरदस्त है अच्छा नहीं नहीं अब रिवील रिवील मत करें मैं अभी लेकिन बहुत ही जो है वो बहुत रिलेटेबल है हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड यू नो टॉक अबाउट इट तो वो अपने तरीके से रसम करते हैं हंसी मजाक में लेकिन ये है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद <laughs> बहुत अच्छा बहुत लोगों को उसके बाद प्रॉब्लम होने वाली है <laughs> मुझे वो कामरा लोधी का वो शॉट याद आ जाता है <laughs>

ड्रामे में भी भी कोई कोई अच्छा किरदार थी कोई कर, अच्छा किरदार मिला मिला था था उसको किसी बड़ा ही टाइप टाइप कैरेक्टर कैरेक्टर जो और ये आपको आएगा कि उसके बाद उसका हाल क्या है अच्छा मुझे मैंने देखी तो है फिल्म मैंने मुझे दिखाई है तो मैंने अभी तक उसको देखा क्यों नहीं है Mm. और समटाइम्स क्या होता है कोई अगर नया भी आया तो उसने बहुत अच्छा काम किया था वो भी फेवरेट बन जाता है लेकिन mm. अगर मैं एक रूटीन की बात करूँ या जिन लोगों की फिल्म का मुझे इंतजार रहता है देखने का तो उसमें बहुत सारे लोग हैं mm. टेंटिनो yeah. गाय Ritchie ठीक है ना स्टीवन स्पीलबर्ग मुझे पसंद है ठीक है ना और आ, उसके अलावा जो आ, विशाल भारद्वाज पसंद है इम्तियाज अली अनुराग कश्यप रोहित शेट्टी की फिल्म्स में देखता हूँ ये सर, सरकर सरकर स्ट्राइफ नहीं लेकिन तो मैं हर तरह की फिल्म देखता हूँ लेकिन टॉप ऑफ लिस्ट जो है वो सात आठ लोग हैं जो जिनकी फिल्म में जरा रूटीन में देख लेता हूँ आपने अभी वो फिल्म देखी एक नेटफ्लिक्स पर है कला कला नहीं देखी है मैंने मैंने गाना सुना था वो बड़ा अच्छा है गाना बहुत अच्छा है फिल्म भी अच्छी है मुझे आई नो कि वो वो फीमेल डायरेक्टर उन्होंने क्या कहते हैं बुलबुल भी एक फिल्म बनाई उसकी शूटिंग वूटिंग बड़ी अच्छी हुई बट मैंने फिल्म नहीं देखी है बुलबुल के मुकाबले में ये फिल्म जो है ना ज्यादा अच्छी है और मुझे देखने में पता क्या लगता है कि है वो एक मतलब एक सिंगर की कहानी है लेकिन बड़ी जो है ना अंग्रेजी अप्रोच के साथ

फिल्म की जो क्वालिटी है वो बॉलीवुड लेवल की हो जाए ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ साउंड म्यूजिक गाने ये वो क्वालिटी की बात क्वालिटी की बात हो रही है ठीक है ना और हमारी दो, दोनों की फिल्म बॉलीवुड के साथ सिमिलैरिटी इसलिए आ जाती है ज़्यादा क्योंकि हम लोग की लैंग्वेज सेम है हाँ। ब, बोलने चालने का तरीका सेम है ठीक है ना तो वो वो हमारे लिए तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करना उसको लेकिन हाँ क्योंकि उनके पास मीन्स हैं ठीक है ना इक्विपमेंट भी है अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी से बदल रही हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं मतलब ठीक है हाँ टेक्नोलॉजी है उनके पास और उनका कॉन्टेंट उनकी कंटेंट राइटर भी बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं सम मैं कभी कभी फील करता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे मनी हाइ स्ट आई हुँ, हुँ। तो कुछ अरसे बाद आपको सेम लुक की एक इंडियन सीरीज़ भी मिलेगी हाँ असल में देखिए ये तो मुझे लगता है इसका ताल्लुक जो है ना ये जो भी पोर्टल्स हैं या जो भी लोग होते हैं जो इस बिज़नेस में मतलब फिल्म मेकिंग के दो पहलू हैं एक तो है आर्ट of, आर्ट है आर्ट आर्ट ऑफ मतलब जो लोग लिख रहे हैं जो बना रहे हैं मेकर जो क्रिएटिव साइड पे और एक है इसके बिजनेस साइड पे तो मुझे लगता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हिट हो जाती है पॉपुलर हो जाती है तो जो बिजनेस साइड वाले लोग होते हैं ना वो वो बोलते हैं यार यही चीज बनाओ और वो हर फील्ड में ही है मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद कि इसलिए होता होगा क्योंकि एक चीज क्योंकि देखें आजकल क्या है हर चीज डेटा है तो फॉर एग्जांपल अगर मनी हाइस हिट है तो उसका एक डाटा निकला होगा उसमें देखा होगा भाई कौन से मुल्कों में देखा गया सबसे ज़्यादा और उसके अंदर क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है मिसाल के तौर पर और अगर ये आता है कि यार इस मुल्क में ये चीज़ देखी गई है बड़ी ज़्यादा तो बोलेंगे इस अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को इस तरह की चीज़ पसंद आई है तो बोलेंगे ठीक है इसका एक वर्जन और बना के देखते हैं तो ये ये आई थिंक बेसिक सही चीज़ें जो सारे जो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं वो देखते होंगे जैसे अब हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर कि जब नाम आलूम अफराद बनाई थी हमने ठीक है ना तो जब नाम खाद हिट हुई तो बहुत सारे लोग निकले गए यार इसी तरीके की फिल्म बना लो कॉमेडी बना लो ठीक है ना सही है ना तो और बनी भी बहुत सारे लोगों ने फिर जो है वो पंजाब नहीं जाऊंगी हिट हुई तो लोगों ने बोला यार पंजाब सेंट्रिक रख के फिल्म बना लो ठीक है सही है एक्टर इन लॉ भी हिट हुई लेकिन एक्टर इन लॉ टाइप कोई फिल्म बना नहीं पाया उस तरह की क्योंकि कॉन्टेंट अलग तरीके का था ठीक है अब जैसे मौल हिट हो गई है सुपर डुपर हिट हो गई है सो अचानक से क्या हुआ है सबको पंजाबी फिल्म बनानी है अच्छा ये हो हो जो मैंने सुना है सब सब इसी कोशिशों में अच्छा के ऐसी फिल्म बना दो भाई देखें हर एज एन आर्टिस्ट ना मॉलेज क्यों हिट है क्योंकि यार वो बिलाल का विजन है ठीक है ना बिलाल की कॉलिंग है उसको वो फिल्म बनानी थी ठीक है ना और जो भी चीज़ आप दिल से कन्विक्शन से बनाएंगे वो वो ऑडियंस को भी टच करेगी ठीक है ना और वो ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी तो वो वो उसकी कॉलिंग है वो उसका विजन है कोई और बंदा उस उस तरह की चीज नहीं बना सकता उससे बेहतर बना सकता हो शायद या उससे बुरी बना ले, लेकिन सेम वैसे नहीं बना सकेगा क्योंकि शायद वो उसकी कॉलिंग ना हो ठीक है ना इसी तरह मेरी फिजा की हम लोगों की एक अलग तरीके की अलग तरीके का सिनेमा है हमारा ठीक है ना हमारी कॉलिंग एक अलग है हाँ। हम जो चीज़ बनाते हैं बोलते हैं यार मीनिंगफुल होनी चाहिए ठीक है ना सही है मतलब ठीक है बिजनेस साइड भी एक अलग चीज़ है लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो हमें सेटिसफाई जरूर करनी चाहिए जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज के यार ये चीज हिट हुई है ऐसी बना देते हैं अरे भाई और ये चीज़ें कभी भी ना ये हर साल बदल जाएंगी हर दो साल बाद तीन साल बाद बदल जाएगी हर दो तीन साल बाद कोई एक फिल्म आती है जैसे थोड़ी देर से पहले इंडस्ट्री में एक था यार बस चार पांच करोड़ की फिल्म बनाओ हिट हो जाएगी तो भाई ऐसे नहीं होता मतलब ये ये चीजें हर दो तीन साल के बाद कोई एक चीज आती है वो आके सारे जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं जो सारी आपकी एनालिसिस होते हैं ना उनको आके जीरो कर जाती है और फिर आप उसमें लग जाते हैं अच्छा यार ये कैसे हो इसके इस तरह का कुछ बना लो तो वो आई थिंक लोगों को समझने की जरूरत है और आई थिंक खूबसूरती भी फिल्म मेकिंग की या सारे फिल्म की यही है कि हर इंसान की अप, हर इंसान अपनी इनर वॉइस को हम ये धंधे में क्यों आए हैं मतलब आप म्यूजिक कर रहे हैं जैसे ठीक हाँ। है ना सही है हम कुछ चीजें कमर्शली करते हैं जैसे आप अब मैं भी इश्तहार करता हूँ हाँ। आप भी इश्तहार के हाँ। म्यूजिक करते हैं उसके अंदर एक क्लाइंट की ब्रीफ है ठीक है ना मेरे पास भी एक ब्रीफ है एक कॉन्सेप्ट है बनाना है हम बनाते हैं ठीक है ना कि ठीक है ये उनका विजन है बिल्कुल ठीक है ना हम उनके विजन को इनहेंस करके उनको दे देंगे बट जब हम आते हैं फिल्म बनाने के लिए ना भाई तो वो हम आए ही इसलिए हैं कि यार हम वो चीज़ बनाएं जो हमें सेटिस्फेक्शन दे ठीक है ना हम वो चीज़ बनाएं जो हम बनाने आए हैं अगर इधर भी आके हम किसी और का विज़न या किसी और की सक्सेस स्टोरी को लेके बनाना शुरू कर देंगे तो अगर मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊँगा ना तब भी मुझे मेरी जो एक मेरी जो एक आर्टिस्ट की सेटिसफेक्शन है ना वो नहीं होगी शायद बिजनेस मैन की हो जाए कि हाँ यार बॉक्स ऑफिस हो गया लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे ये रहेगा कि यार मैं अगर मैं वो भी बना लेता ना यार तो मुझे तो ये ये एक बड़ा समझ रहे हैं ये जंग है एक आर्टिस्ट की और एक क्या कहते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स की जंग रहती है कि यार तो हम कोशिश करते हैं कि यार जो अंदर से आवाज़ आ रही है जो चीज़ ये करनी है वही वही करें यार ताकि ये कि चलो फेल भी हो रहा कोई बात नहीं एटलीस्ट ये ज़रूर रहेगा यार अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ जो है ना वो कर ली तो आई एम श्योर जब आप भी म्यूज़िक कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना म्यूज़िक करते हैं अपना गाना आ, बनाते हैं तो आप वो इसीलिए बनाते हैं कि जो आपके अंदर की आवाज़ है या जो आपके अंदर एक चीज़ फंसी हुई है आप कहेंगे यार वो मैं उसको अपने म्यूज़िक में दिखाऊँ बिल्कुल बाकी तो आप ठीक है फिल्मों का गाना भी कर रहे हैं तो ठीक है वो उसमें भी आप एक ब्रीफ़ फिल्म के मुताबिक ही बना रहे हैं ठीक है उसके अंदर भी आपको क्रिएटिव होने का मौका मिलता है लेकिन एटलीस्ट फिर भी आपको एक पैरामीटर्स दिए वो होते हैं

बॉक्स ऑफिस नंबर जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको hmm. लेकिन वो एक थोड़े टाइम के लिए होते हैं उसके बाद आपको खुशी तभी मिलती है जब कोई आगे आके बोलता है यार आपकी फिल्म देखी थी बहुत जबरदस्त थी दैट इज वेयर यू नो एज एन आर्टिस्ट आप बोलते हैं भाई सही है <laughs> अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक इंटरव्यू में सवाल किया कि आपका ये गाना बहुत पॉपुलर है तो ये गाना बनाते वक्त आप क्या फ़ील कर रहे थे मैंने कहा खुदा की कसम जो इस गाने की कैफियत है ना ये कैफियत तो मेरी थी नहीं उस वक्त ये एक सैड सॉन्ग है मैं सैड नहीं था बनाते मैंने कहा ये मैंने उसे एक्चुअली कहा मैंने कहा देखिए मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ कि मैं उस गाने से किसी को रुला सकता हूँ तो ये मेरा आर्ट है मुझे उसको बनाना आता है कि भाई मुझे ये मैं करूँगा तो ये कैरेक्टर रो रहा है इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा हुँ। हुँ। ये इस वक्त शादी ब्याह का माहौल है इस पर मैं क्या चीज़ डालूँगा तो ये इसको और चार चांद लगा देगा और लगे लोग जो है ना फ़ील करेंगे हाँ यार बहुत अच्छी शादी हुई तो मैंने कहा भाई ये ये आर्ट होता है इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं उसी कैफियत में हूँ कि मैं पहले मैं मैं खुद मेरा दिल टूटा हुआ था और उनकी मेलोडी यूँ करके आई है असल में ये ठीक है समटाइम्स कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा लेकिन कुछ आपको पता है ना मंजन भी तो होता है ना एक गाना रहीम शाह का बहुत फेमस था पहले तो कभी कभी गम था ठीक है ना वो उधर इंडिया में कॉपी हो गया था हाँ। अल्ताफ राजा ने कॉपी <laughs> कर लिया <था। laughs> तो मैंने किसी इंटरव्यू में अल्ताफ राजा ने बोला मैंने रात को खाब में मिला <laughs> ये गाना है <laughs> तो आप सोचे अभी जो बातें कर रहे थे कॉपी के कितने गाने कॉपी किए हैं यार कितना म्यूजिक है जो कॉपी हो गया आपका आ, नजम भाई का एक गाना था मैंने तेरे नाल मैंने प्रोड्यूस किया बिल्कुल बिल्कुल भीगे भीगे तेरे तेरे उसका भीगे तेरे बना अब वो मुझे बाद में पता चला कि वो वो जी जी मुकेश भट्ट को वो गाना पसंद गाना था, था। उन्होंने हाँ। ने, अग्ण। ने, अग्ण। ने के दिए थे शायद उनको मेरे वो बाद में दिए अच्छा, थे पहले उनको ये पता चला था कि उनको ये गाना पसंद था तो उन्होंने अन्दम मलिक से कहा कि भाई ये मेरे को ये गाना चाहिए ये मांगता है <laughs> सही है हाँ हैं हम भी कितनी बार आते हैं। और क्योंकि... नहीं, लेकिन हम नहीं, करते हैं। नहीं नहीं मेरा कहना मतलब है कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन कोई ना कोई चीज तो ऐसी होती है सम, ऐसा होता है और समटाइम कुछ भी नहीं होता है अभी शुरू शुरू में मुझे याद है मैं लेकर आता था कभी कोई चीज के यार इस तरह की कोई चीज हो किसान फिर अभी हम मुझे लगता है पिछली दो चार फिल्मों से नहीं लेकर आते हैं कोई भी ऐसी बात नहीं सिर्फ सिचुएशन बताते हैं एंड देन खुद ही आप सोचते हैं कि यार इस तरह का माहौल होना चाहिए और हम दो तीन बार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें और फिर आ जाते है, हो जाता है बट समाइम्स हाँ ठीक है कि एज ए मेकर एज एन आर्टिस्ट आपको कोई चीज़ बहुत ही ज्यादा पसंद होती है तो आप बोलते हो यार इस तरह का कुछ बना दो और फिर अब उसमें वही वाली बात है आपकी अपनी क्या कहते हैं पसंद के ऊपर है अगर आपको कोई बहुत ही करीब की चीज़ पसंद आ जाती है तो ठीक है अगर नहीं तो

बहुत बेहतर सिंगर हैं मुझसे मैं तो बिल्कुल भी ऐसे ही फारिक हूँ मतलब ऐसे अपने शौक के लिए गा लेता हूँ जैसे कहते हैं रोना और गाना तो सब नहीं आत... आप म्यूजिक वीडियो भी बना चुके हैं जी मैं यही बात करने वाला था कि मैंने म्यूजिक को सीरियस फॉर <laughs> एग्जाम्पल बहुत पहले थोड़ा सा लिया था तब भी मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था ये मुझे शुरू से मालूम था कि मुझे डायरेक्टर बनना है बट ठीक है हाँ चलो मैं गिटार गिटारता मैंने गाना बनाया एक गाना बन गया मैंने कहा चलो यार म्यूजिक वीडियो बना लेते हैं म्यूजिक वीडियो बन गई म्यूजिक वीडियो बन गई वो गाना ठीक है वो लोग टी चैनल पर चलता था उस टाइम पर टी वी चैनल होते अच्छा चल रहा था फिर मैंने एक और जो है ना क्या कहते हैं गाना बनाया और उसका वीडियो मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा था और वो वीडियो कोई डेढ़ दो साल तक शूट होता रहा ठीक है ना राना भाई यानी कि वो वीडियो ऐसा था माशाल्लाह से उस उस वीडियो के अंदर ना सबकी जर्नी और सबकी तरक्कियां होती गई मेकअप आर्टिस्ट से लेके एक्टर से लेके डीओपी से लेके बजाते मैं खुद भी जो माशाल्लाह से हम सबका करियर बढ़ता गया बढ़ता गया बाय द टाइम वो वीडियो कम्पलीट हुआ तो सब लोग जो जो उसमें काम कर चुके थे मतलब वो कुछ जो एक्ट्रेसेस थी वो स्टार्स बन चुकी थी स्टार्स स्टार्स बन बन गए गए सब थे मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हो चुके थे मैं भी छोटा मोटा काम कर ही रहा था और फिर जो है ये ना मालूम अफराद वाली चीज़ जो है वो शुरू हो गई और मैं फिल्म बनाना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि यार आ, मैं फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म हिट भी हो गई ठीक है ना तो मुझे लगा यार पता नहीं मैं म्यूजिक वीडियो डालूंगा ना तो लोगों को ये ना लगे एक नॉन सीरियस मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि कि मतलब ये सिंगर है या ये डायरेक्टर है या ये मतलब ये क्या है मतलब ठीक है ना मिसाल के तौर पे ठीक है ना तो मुझे लगा कि यार ठीक है मैं अपना जो मेरा डायरेक्शन का करियर है वो मेरी कॉलिंग भी वही है मुझे ज्यादा मजा भी उसी में आता है ठीक है ना और म्यूजिक uh, ठीक है अपने शौक के लिए मैं जो है वो रात को बैठ के बजा लेता हूँ सही है बहुत है <laughs> आपको पता है मैं आपके साथ बड़ी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ वो इवन ये मिडी प्लेयर ये सारी चीज़ मैंने ली हुई है हराम है कि आज तक जो है ना वो लगाई भी हूँ ठीक है लेकिन ये है कि अपने शौक के लिए वो कर लेते हैं बस सही है अच्छा मैं यहाँ पे एक और भी बात ऐड करता जाऊँगा कि ये कैमरा और वो कैमरा <laughs> ये दोनों दो कैमराज मैंने नवील से ही खरीदे इनके पास जो भी कैमरा एक गोप्रो भी मैंने खरीदा है ये जो कैमरा खरीदेंगे बिल्कुल वो बाद में मैं, बा... मैं बिल्कुल मैं हर फिल्म बार पे जो है ना कोई एक कैमरा खरीदता हूँ किसी ना किसी छोटे मोटे जो है ना वो शूट के लिए शॉट्स के लिए और जैसी वो कैमरा जो है वो शूट ख़त्म होती है तो फिर वो कैमरे को मैं हराम है कि कभी हाथ लगाऊँ <laughs> फिर अपेरेंटली कोई एकदम से चार पाँच छः महीने के बाद में मैसेज आता है कि यार वो आपने कैमरा लिया था वो आप यूज़ कर रहे हैं

दोबारा बेचता तो डॉलर बढ़ गया तो उसका फायदा हो जाता बाकी अदरवाइज तो क्या कहते हैं मुश्किल होता लेकिन आपने भी सही टाइम पे खरीद लिया अभी हाँ, बड़ा अभी डॉलर बहुत है उसके बाद ना मैंने रिसेंटली इमरान भाई आपको पता है हाँ। उनसे तो अभी मिल गया जी है, जी जी बिल्कुल मैंने अभी एक वहाँ पे एक हुडी थी मैंने वो मैंने ऑनलाइन बाय करनी थी तो मैंने इमरान भाई से कहा कि आप उसको बाय कर लें और जब भी कोई आ रहा हो ना छ महीने बाद आठ महीने बाद मुझे तब भेज दीजिएगा

बहुत ही मुश्किल होने वाला बहुत मुश्किल है।, <laughs> बहुत तो हो। है बहुत मुश्किल बहुत बहुत ही महंगाई हो गई कुछ हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे ओके okay. और कमीर दोस्त रह गए सर ऐसा ना होगा कोई ऐसी बात हो जाए कि वो भी खत्म <laughs> <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं राणा भाई से मेरी रिसेंटली मेरी इतनी ज़्यादा उनके साथ पहले नहीं थी हाँ। हम लोग शूट पे मिलते थे ओ, शूट्स पे नहीं, ही मिलते हुँ, हुँ। लेकिन अभी मैंने राना भाई के साथ बड़ा टाइम गुजारा मुझे बड़ा मजा आया हाँ। कि वो कितने प्यारे स्वीट <laughs> आदमी हैं कुछ बताएं उनके बारे में आप यार राना भाई तो हमारे मतलब शुरू से हमारे साथी दौर था बिल्कुल कौन सा चैनल था वो आज टीवी आज टीवी तो राना भाई से मेरी भी पहली बार मुलाकात आज टीवी में दो हजार चार पाँच में फिजा की भी तभी हुई थी फिर हमने आज टी वी छोड़ दिया था तो हमने अपना एक पायलट एक प्रोग्राम बनाया था चाइल्डहुड विद जिसका गाना आपने हाँ, बनाया था ठीक चाइल्ड <laughs> तो वो गाना आपने बनाया ना तो आप सब लोग मतलब माशाल्लाह से जितने भी हाँ, लोग, लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ हैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अलहमदल साथ हैं तो राना भाई भी तब से ही हमारे साथ हैं और हमने फ्रीलांस काम किया था तो उसमें भी वो साथ करते थे फिर मैं वापस आज टीवी में दो हज़ार नौ में ज्वाइन किया तब भी राना भाई उधर थे तो हम बस हम करते गए काम और थैंक्स टू डी एस एल आर कैमरा उन्होंने राना भाई को भी मुझे भी जो है ना वो ये मौका दिया कि हमारी जो भी छोटा मोटा टैलेंट था उसको हम सही से एग्जीक्यूट कर सकें क्योंकि उससे पहले हम तो टीवी कैमरास पे काम करते थे ना उसमें कोई लेंस है ना कुछ है सीधे अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि आपने फिर डी एस एल आर पे आपने हमने शुरू किया है ना काम देखिए हमने शुरू तो किया वो अभी तो एरी और कुक से नीचे बात नहीं हो रही <laughs> अरे सर हमने शुरू तो पीडी 170 से किया है न्यूज़ कैमरा ठीक है ना पीडी 170 से शुरू किया है काम तो ठीक है।, है ना मैंने कहा उस टाइम पे तो डीजी बीटा पे करना ना मतलब ये होता था कि काम भाई बड़ा सीन वरना तो वो पीडी 170 न्यूज़ कैमरा होता था या फिर Uh, नाम मैं उसका भूल गया हूँ सेवन हंड्रेड होता था डी एस सेवन हंड्रेड ऐसे कुछ नाम होता था तो ये वो जो टिपिकल टीवी कैमरास कैमराज होते हैं जिसके अंदर एक जूम लेंस लगा हुआ होता है कोई शेलो uh, डेप ये चीज़ का कोई ही नहीं है ना मतलब आप जितनी भी अच्छी लाइट कर लें उसने वही ही मनुष्य जो है ना क्या कहते हैं विजुअल दिखाना है तो उसमें बहुत जो है ना हमारे लिए डिफिकल्टी होती थी कि यार कैसे अब सोचा ये, ये है। और रिजल्ट वो मिल ही नहीं रहा आप जितना भी कर लें मतलब से ही सारी गेम आती थी तो फिर जब आ, असिस्ट करना शुरू किया आमना आमना को आमना खान को खान तो वो फिल्म कैमरा पे शूट करते थे उस वक्त तो हमारे लिए तो खाली थर्टी फाइव एम के बराबर में खड़े हो जाना ना वही बहुत बड़ी बात थी कि यार मतलब ये अच्छा ये कैमरा है वही लेंस ऐसे इससे क्या रिजल्ट आता है यार क्योंकि जब मैं बड़ा हो यानी कि इस फील्ड में भी नहीं आया था तो मैं म्यूजिक वीडियोस उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत अच्छे बनते थे और अभी भी अच्छे बनते हैं तो उस टाइम पे जो है वो साकेब जामी ऐसा नामना आसिम इन लोगों के म्यूज़िक वीडियो थर्टी फाइव पर शूट हुए होते थे तो उसकी एक अलग क्वालिटी होती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये, ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है तो ये फिर जब मैं फील्ड में आया तो पता लगा कि अच्छा यार ये तो कैमरा ही डिफरेंट होता है और हमारी तो इतनी औकात ही नहीं थी टीवी चैनल के पास सर्टी फाइव का क्या काम ठीक है ना और हमारे पास ना तो इतने पैसे कि हम कैमरा वो रेंट पे लें और शूट करें क्योंकि लैब्स भी पाकिस्तान में नहीं होती थी तो बहुत ही यानी कि वो तो ये था कि बहुत बड़े आप फिल्म मेकर होंगे कोई एड फिल्म मेकर होंगे तो आप जाके उस पर काम करेंगे तो हमने तो असिस्ट करना शुरू किया जाके उन कैमराज वगैरह पे सीखा तो कट द स्टोरी शॉर्ट हमारे लिए जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई मुझे भी जिंदगी में लकीली मौका मिला जो मैंने अपना पहला खुद से इंडिपेंडेंट काम किया था बड़ा वो थर्टी फाइव एम एम किया एज ए डायरेक्टर तो उस टाइम पे समझ लें बस उसके फ़ौरन बाद थर्टी फाइव एम कम ही हो गया क्योंकि डिजिटल आ गया एकदम से ना तो मैंने वो काम किया था शब्द था उसमें मेरे साथ डी तो वो दो रोल्स पर हमने एक आई बनाई थी पूरी और फिर उसके बाद डी कैमरा डी कैमरा है और मुझे याद है हम लोग आज टी वी में होते मैं और राना तो हम लोगों को एक शूट करना था न्यूज़ का प्रोमो तो राना ने बोला यार डी पे करते हैं सोभी है ना सोभी को डालते हैं सोए बख्तर हाँ। उसके पास वो कैमरा जो है ना वो होता था और राना ने बोला यार मैं उससे कैमरा लेकर आऊँगा उसमें लेंस है थे उसमें स्लो मोशन भी शूट हो रहा था क्योंकि mm -hmm. स्लो मोशन तो होता नहीं फ्रेम रेट का चक्कर ही नहीं था उन कैमरा पर ना तो स्लो मोशन भी शूट हो रहा था ना ठीक है यार अच्छा अब वो मेमोरी कार्ड भी, भी बिल्कुल कम और उसकी भी ना कुछ जुगाड़ होती थी कि वो स्लो मोशन शूट तो कर लेगा लेकिन mm -hmm. वो आपको डिस्प्ले पे वो नहीं देगा वो एडिट में भी जाके आपको कन्वर्ट तो फिर वो कार्ड दे के सोभी को दिया सोबी ने कन्वर्ट करके स्लो मोशन में चीज़ें दी तो फिर वो एडिट किया और उसके बाद मैं आपको बहुत फनी चीज़ बताता हूँ एक प्रोमो बनाया था मैंने आ, उसमें सवेरा नदीम थी आज टीवी का न्यूज उसका प्रोमो था मॉर्निंग शो का वो बहुत हिट हुआ यानी कि समझ लें एकदम से ना एकदम एक मार्केट में ये हो गया यार ये कौन लड़का है ये काम किसने किया हुआ और वो हमने किया डी पे वो एक म्यूजिक डिपार्टमेंट में बंदा होता था आज टी में शहबाज उसका नाम है जिसका सोल एक बैंड होता था बहुत पहले सोल अरे शहबाज को जानता हूँ तो वो शहबाज आज टीवी में जो है ना वो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम करते था उसके पास ना कैमरा था डीएसएल लेकिन कार्ड शायद नहीं था उसके पास कुछ अच्छा था ठीक है कुछ याद था राना राना की दोस्ती राना सोलह इस पे शूट करते हैं ना हमने छोटा सा सेटवर्ट लगाया राना ने वो कैमरा लिया एक ही लेंस था थर्टी फाइव टू लेकिन एटलीस्ट ये शेलो डेप्थ तो और ये सारी चीजें मुझे मिल जाती थी और कार्ड था जिसके अंदर दस सेकंड से ज्यादा की फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी जैसे अभी आप कह रहे हैं ना ये तीस मिनट के बाद मुझेगा तो वो दस सेकंड के बाद जो है ना बंद हो यानी कि कार्ड ही फुल हो जाएगा ना ठीक है ना अच्छा तो हमने क्या किया लैपटॉप साथ रखा हुआ है अब वो लकीली प्रोमो था तो इससे ज़्यादा हमें बड़े बड़े शॉट्स चाहिए नहीं थे तो हम शॉट लेते थे दस सेकंड में फॉरन कॉपी किया फिर दोबारा लगाया वो कोई चार पाँच घंटे करके हमने शूट की वो एडिट किया तो वो बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोमो निकला वो सब मार्केट में वो यार ये किसने शूट किया बड़ा वो बड़ा एड फिल्म टाइप लुक आ गया क्योंकि हमारे पास डी कैमरा था और लाइट शाइट आना बड़ी बड़ी खूबसूरत की तो डी एस कैमरे ने हमारी आके ज़िंदगी बदल दी फिर मैंने वो बी एन एन की फिल्म शूट की वो वो वीराना भाई ने की थी तो वो कुछ टीवी पे ऐसा काम हुआ जो थोड़ा सा लगा कि यार ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और राना भाई का माशाल्लाह से डीएसएलआर पे ना हाथ बहुत ज़बरदस्त था हमने बहुत सारे काम डी पे ऐसे किए हैं कि जो आप बोल नहीं सकते कि यार ये डी पे हुए हैं मतलब वो लगता है कि यार ये तो फिल्म कैमरा पे हुए हैं और फिर ये एरी वगैरह तो दो बारह में जो है वो आया तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2008 हज़ार आठ नौ दस ग्यारह की उस टाइम पे हमने डी एस एल आर पे बहुत काम किया अब यही हो गया अब तो यही चक्कर है वही वाली बात तो है जैसे जैसे तो कुक और एनमॉर्फिक लेंस तो ये वाले कैमरे तो इसलिए मुझे अभी भी पता है मेरा अभी भी दिल करता है कि मैं कोई बहुत ही इंडी फिल्म बनाऊँ जो बिल्कुल ये छोटे ब्लैक मैजिक टाइप कैमरा पे हो गोरीला स्टाइल की मतलब ये ठीक है आपने बड़ी शूट कर ली बहुत मज़ा आता है सौ डेढ़ सौ लोग हैं आपके साथ तीन सौ लोग हैं क्रू में ये बड़े कैमरे हैं लेकिन कुछ मुझे अभी भी ये शौक है कि यार कोई ऐसा हो बस बिल्कुल दो तीन लोगों का क्रू हो आप निकले हो हाँ। कैमरा के ले कर और इस तरह क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले बहुत की है मैं और राना ने हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं हम दो लोग हैं खाली और हम ऑडियो भी हम ही कर रहे हैं ठीक है <laughs> <laughs> कैमरा भी खुद ही चला रहे हैं सब यानी कि ट्रापॉर्ट ये सामान और खुद उठा के निकले हूँ इस्लामाबाद वगैरह में शूट कर रहे हैं और जो है ना वो तो उसका एक अलग मजा है तो अभी भी दिल करता है कि उस तरह की कोई छोटी चीज़ मैं अभी भी राना को बोलता हूँ

<laughs> तो ये चीज है लेकिन वही वाली बात है आ, ना शुक्रा बन कह ले इसको अल्लाह अल्लाह माफ करे कि जब आपको एक चीज मिल जाती है ना तो आपको लगता है यार अब वापस से मैं मैं अभी यही कहने लगा हाँ। था कि जो जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनका दिल करता होगा कि यार हमें बिल्कुल ऐसे क्रू मिले इतना बड़ा हाँ। कैमरा मिले हमारे पास हर चीज की हाँ एग्जैक्टली ये बेसिकली इंसान की फितरत है हम कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सकते है। अगर बड़ा मिल रहा है तो हम बोल रहे नहीं छोटा कर दो छोटा मिल रहा बड़ा कर दो इट जस्ट लाइक दैट के फॉर एग्जाम्पल आपको सौ करोड़ की फिल्म का बजट भी मिल जाए ना तो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्शन आप बोलोगे यार काश एक सौ दस करोड़ होता <laughs> तो ये ये एक जो है ना मसला है एज एज ए सब आईर sure आपके पास भी सारा इक्विपमेंट है लेकिन आपका भी होगा यार काश यार ये वाला भी मेरे पास जो है ना चीज़ होती और जब वो आ जाएगी तो फिर आप बोलेंगे

सत्तर अस्सी लोग हो जाते हैं और तब भी जो है ना वो पंद्रह गाड़ियां मैं और एक दिन हम खुद शॉर्ट शॉर्ट ले रहे हैं हमारे रोड के शॉर्ट कि कम क्रू होगा hmm. और आज हमारा लाइट डे है hmm. तो ये हमारे जो सिर्फ व्हीकल्स हैं कोई बारह बन रहे हैं ठीक है, hmm. है ना तो <laughs> <laughs> तो सोचे मतलब ये ये इन चीजों में जो है ना मतलब खर्चा है खर्चा है का पैसा लग रहा है और ये सारी चीजें हैं और थमा मतलब ये होता है कि छोटा क्रू होता है ना तो आप मुझे लगता है आप ज़्यादा काम कर पाते हो ज़्यादा चीज़ें कर पाते हो और थोड़ा सा ना ज़्यादा वो एक इंडी फिल्म मेकर वाली फील आती है सही है हाँ ये अच्छा ये बाकी मैं मैंने देखा है आ, मैंने आ, जो टीवी कमर्शियल की शूट्स भी मैंने देखी हैं तो इतनी सी चीज़ होती है उसमें इतना इतना टाइम लग जाता है इतना मोटा टाइम लग जाता बिल्कुल सही है अच्छा कोई फ़नी इंसिडेंट बताएं कि शूट का

उधर जाके जो चीज़ें हुई हैं <laughs> क्योंकि उसमें से आधे जो असिस्टेंट्स थे हमारे उसमें से तकरीबन समझ समझे अगर हम पंद्रह सोलह लोगों को लेके गए थे फॉर एग्जाम्पल <laughs> तो उसमें से जो है ना सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट लोग ऐसे जो, जो पहली बार पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे होंगे अच्छा बाकी किसी ने ट्रैवल किया हुआ नहीं था तो जब वो उधर तो पहुंचे तो एक हमारा असिस्टेंट होता था इसला <laughs> <laughs> अभी भी है वो साथ काम करता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड था तो उसने क्या किया कि जहाज में बैठते उसको जो फॉरनर मिला ना गोरा काला या चाइनीज जो भी जिस तरह भी तस्वीर खिंच <laughs> कोई भी मिला ठीक है, है जा, ए, सेल्फी ठीक है ना जहाज यानी समझ मतलब जहाज से लेके पूरे दुबई में उसने जो है ना वो ये वो जो मिलता था हमला टाइट करेक्टर अच्छा अब हाईलाइट सुने ठीक है भाई तस्वीरें तरह हम लोग बहुत हंसते यार तस्वीरें खींचाइए घर व हम लोग जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पर स्विमिंग पूल था तो भाई जो है वो एक्साइटेड एक्साइटमेंट में उनको पता लगा पूल है तो वो जाके छलांग मार दी छलांग मारी तो फोन जेब में ही था <laughs> <laughs> तो वो मुझे पूरा फोन में जो सारी तस्वीरें थी पूरे ट्रिप की वो वो सब गई <laughs> वो, <laughs> वो सारी सारी गई गई तो ये मुझे इसकी बहुत ही क्यूट मतलब एक मासूम है वो लगती है कि यार बेचारा मतलब पहली बार वो बाहर गया था तो उसको जो अंग्रेज दिख रहा था ना उसके साथ तर तरसा हुआ आदमी था अंग्रेज़ों का <laughs> तो उसके साथ जो है वो तस्वीरें तो जो है वो खिंचवाता था तो ये ये चीज़ मुझे जो है ना काफ़ी अभी अगर ऑन टॉप ऑफ द माई माइंड मुझे ये याद है बाकी शूटिंग पे तो बहुत जो है ना वो होते रहते हैं कोई ना कोई छोटे छोटे वाक़ और समटाइम्स राना भाई और हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं तो एक दो एडीज होते हैं जो हमारे टारगेट में होते निशाने पे होते पे हैं जिनको जो यानी कि एंटरटेनमेंट हाँ। प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं सेट पे किसी ना किसी तरीके से कि हमें पता होता है ये तो कोई ना कोई इसको बोला है तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा जिसके ऊपर फिर हम जो है ना इसका जो है ना वो रिकॉर्ड लगाएंगे आज तो ऐसा वो रहता है वो बहुत बहुत रहता है हाँ एक यार एक किस्सा फरी नहीं है लेकिन ना ये बहुत ही आइकॉनिक कह लें एक किस्सा है जो कि यानी कि एक आईडी डी एक प्रोमो किया था हमने टेनिस स्पोर्ट्स का आपको याद होगा जिसमें आपने जिंगल बनाया हाँ, था भिल पूरा वर्ल्ड कप का तो उसकी जो है ना शूट थी अलग अलग शहरों में ठीक है तो मैं मैं लाहौर में शूट कर रहा था और वापस आके कराची में शूट करनी थी कामरान कराची में था तो मैंने उसको बोला यार कामरान ने हमें ना क्रिकेट के शॉर्ट्स लेने हैं तो तुम एक काम करना क्रिकेट की किट अरेंज करके रखना पूरी ठीक है ना कामरान ने बोला न भैया मेरा कजन क्रिकेट खेलता है उसके पास पूरी किट है मैं उससे ले लूँ ठीक है उससे ले लेना अच्छी बात है मैं खरीदनी नहीं पड़ेगी उसको पैसे दे देंगे जो भी छोटे मोटे होंगे ठीक है पहले कौन सा कामरेस में वो है क्या कहते हैं विकेट्स हैं देख लेना है, विकटे होनी चाहिए जो लकड़ी वाली ये ना हो कि वो लोहे की विकेट हो पता लगे मुझे वो लकड़ी वाली विकेट चाहिए मतलब तो गिल्लियाँ हैं गिल्लियाँ हाँ बोले गिल्लियाँ हैं उसमें मसला नहीं है ठीक है ठीक है फिर मैं आने में दो चार दिन थे मैंने कामरन उन्हें उठा लिया हाँ नविले मैंने किट बैग ले लिया मैंने गिलिया उसमें हाँ नहीं निबले गिलियाँ हैं ठीक है सही है भाई जबरदस्त गिलियाँ हैं मैं कराची आ गया शूट से एक दिन पहले मैंने कामरान भाई बैग रेडी है सुबह घर पे हाँ हाँ नवीला बैग मैंने गिल हैं उससे हाँ हाँ नबील भाई गिलियाँ हैं यार, यार यार आप आप यार यकीन ही नहीं करते मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है ज़बरदस्त शॉट छूट पर पहुंचे कोरंगी करंगी में ना वो बिल्कुल एक इलाका है इब्राहिम हैदरी के पास हम बिल्कुल है नहीं अल्लाह के कोने पर जाके तब जहाँ पर आपके वीडियो का शॉर्ट का उसी तरीके का इलाका तब आपको पता है बिल्कुल ही बैरन है कोई आदम ना आदम के साथ तो उधर हम खड़े में एक लड़के आ गए उन्होंने किटवेट भी पहनी हुई है

बोले मैंने अपने कज़न से पूछा था कि गिल्ली है उसने बोला हाँ तो मैंने कहा तूने तो चेक नहीं किया चार दिन से जब बैग आया है नहीं नहीं बोला बोला अच्छा अब उस वक्त मेरा मीटर शॉर्ट हो गया ठीक है ना मैंने बोला पैकअप ठीक है ना मतलब हम खड़े में इधर बिल्कुल कुरंगी में उधर इतनी दूर इलाके में कि और सुबह का वक्त है आठ नौ बज रहे हैं कोई स्पोर्ट्स की दुकान भी नहीं खुली हुई होगी तो बंदा भेज के चलो बोले यार गिल्ली अरेंज कर लो अब मैं गया अच्छा कम क्रू के साथ ये इंडी शूट ही हो रही थी तकरीबन ठीक है ना छोटे कैमरे पर थे ये डी एस एल आर थी मैं जो है ना उससे में निकला मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कामरान भाई आए उससे ज्यादा स्टूपेट बात कर रहे हैं यार आप जो भी नुकसान हो रहा है आज का मैं वो कर दूंगा कहाँ पर दिमाग ख़राब हो गया तेरे पता है कितना तो खर्चा होता है क्या होता है बोला क्या फालतू अच्छा मैं कुछ करता हूँ फलान खैर बाहर गिल्ली आई लेकिन ये भी है ये एक वाक्य है जो मैं कामरान को बताता हूँ ये उस तरह की बात है जैसे वो नहीं बोलते कि वो क्या क्या है वो वेलकम फिल्म का जो डायलॉग नहीं है कि वो भी बहुत अच्छे आदमी थे मेरा साथी है वो फलाती ये किस्सा तो भी कोई नया सीस्टेंड आता है तो मैं कैमरन को बोलता हूँ कैमरा भाई ये ज़रा सुनाएँ क्या गिलियों वाला जो हमारा किस्सा है इतना आइकॉनिक तो बताते हैं कि ऐसा हुआ तो अब से मैं जो भी कोई है मैं बता देता हूँ कि कोई भी आपको कुछ बोले तो आप डबल चेक करने के लिए चेक कर लें खुद के वो है या नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि गिल्ली वाली सिचुएशन हो जाएगी गिल्ली ये हमारे भाई कामरन गिल्ली वाले

ये यार बहुत मजा आया और टाइम बहुत ज्यादा अब भी हो गया है हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कम टाइम है और बातें बहुत सारी हैं हाँ। तो फिर फिर एक फिर करेंगे।, फिर करेंगे और, फिर और, चारी। और, चारी। और चारी। किसे सुनाएंगे प्लीज सब्सक्राइब शानी अरशद यही बोलना होता है ना इस पॉडकास्ट के बारे में हाँ ये पॉडकास्ट में मुझे बहुत मजा आया है और शानी भाई तो हम सबके फेवरेट हैं और मेरा उनके साथ बहुत पुराना जो है वो नाता है ठीक है और बहुत मज़ा आया मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट को लेके बिकॉज़ यूजुअली तो नॉर्मल इंटरव्यूज़ तो होते रहते हैं लेकिन शानी भाई के साथ ज़रा एक अलग तरीके का वो है ताल्लुक है और हमारी बड़ी वेव लेंथ भी तरह जोक्स में मिलती है ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर में तो मैं मज़ा आया बड़ा बातें करके और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं शायद किसी और के साथ इंटरव्यू में नहीं बोलता मैंने इधर बोल दी हैं अब अल्लाह माले के बाद में क्या होगा अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर थैंक यू सो मच थैंक यू